हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम खालिद खान, योर इंग्लिश टीचर। आज लेक्चर हमारा है 5 और पोम जो है वो आप 9 में पढ़ रखी होंगे बच्चों, लेकिन 9 मुझे पढ़ी होगी। आपने लेक्चर जो दिया है स्कूल में वालों ने और मैं जो लेक्चर दूंगा, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एंड डिफरेंट। सो पोम ने हमारे क्या है बच्चों, अबू बिन आदम, राइट। इसे कंपोज किया है जेम्स हेनरी लाय हंट ने, जो कि पैदा हुए 1784 को और डाइड 1859। अच्छा, जब भी मैं पोम लेक्चर दे रहा होता बच्चों, तो उस पोम में जो पोएट के बॉर्न और डेथ में आपको बार बार बता रहा होता हूँ, वो आपने याद करना है। एमसीक्यूज़ में वो आते हैं, इसलिए बार बार रिकॉल करवाता हूँ। हर पोम में मैंने जो पोम के पोएट के नाम बताए, उसमें जो बॉर्न है पोएट की और डेथ बाय लेक्चर मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है और बोल भी रहा होता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो पोम कंपोज किया है जेम्स हेनरी लाय हंट ने अबाउट बिन आदम के बारे में। अच्छा, ये पोम के बारे में मालूम है क्या है, इस पोम के अंदर पीस, खूबसूरती है एंड हैप्पीनेस, पीस ब्यूटी एंड हैप्पीनेस प्रिवेल, फैलना स्प्रेड होना राइट थ्रू दिस डीपली रिलीजियस पोम। क्लियर है, मेन थीम क्या है इसके अंदर, मेन क्या है इस पोएम के अंदर, पीस, अमन के बारे में, रिलैक्सेशन के बारे में। अच्छा, अब मैं बताता हूँ ज़रा इनके बारे में, बिन आदम के बारे में। बिन आदम वो इस फर्स्ट नेम वो फुल नेम यानी कंप्लीट नेम, ये तो हमने नहीं पढ़ा होगा, अभी आपने पढ़ रखा होगा, बट इस फुल नेम वॉज सुल्तान इब्राहिम बिन आदम, ये इनका कंप्लीट नेम था। वॉज अ पायस सेंट, बहुत ही मुत्तकी परहेजगार बुजुर्ग भी थे और ये रूलर भी थे, एंड रूलर में क्या होते हैं, हाकिम, ठीक है। कहाँ के, इराक के ये रहने वाले थे, ठीक है। पायसेंट बुजुर्ग, मुत्तकी परहेजगार और आला दर्जे के थे ये हाकिम, कहाँ के, इराक के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन, अच्छा ये एंड बताऊंगा, ठीक है। आपको पहले पोएम को मैं रीडिंग करता हूँ, आप पहले देख लें पोएम को, बुक खोल लें, अगर नहीं है बुक है तो आपको लेक्चर को अटेंटिवली सुनेंगे तो बेनिफिट्स फॉर यू। कहते हैं स्टैंजा नंबर 1, दो स्टैंजा के अंदर हैं। स्टैंजा 1 कहता है अबू बिन आदम मिस ट्राइब इंक्रीज, ये दो है, नाम लेते ही उस पर अल्लाह ने रहमत बरसाई है, इसकी मीनिंग ए अल्लाह ताला इन पर रहम बरकत और ख़ानदान में रहमत अता फरमाए, मिस ट्राइब इंक्रीज, ये इसकी उर्दू है। अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस, अपने कमरे में सो रहे होते हैं, डीप ड्रीम इन क्या होते हैं, गहरी नींद में सोना, आँख खुल जाती है डिस्टर्बेंस से, कुछ आवाज़ आती है कमरे में तो उसकी आवाज़ से, उसकी मौजूदगी से उनकी आँखें खुल जाती हैं। एंड सो विद इन द मून लाइट इन इस रूम, और देख आँख खुलते ही क्या देखते हैं वो, कमरे में मून लाइट की रोशनी, यानी कि मून लाइट चाँद की रोशनी एंटर हुई हुई है, ठीक है। मून लाइट को देखकर उनकी आँख खुल जाती है, मेकिंग इट रिच, बहुत खूबसूरत, मेकिंग इट रिच क्या होता है, अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल, वो रोशनी अगर आपके आँख के सामने आँख की रोशनी आ जाए, व्हाट हैपन, यू विल बी फजल, यू विल वॉन्डर्ड, आँखें नहीं खुल पाएंगी आपकी। तो यहाँ पर बच्चों रोशनी, ठंडी रोशनी आ रही है कमरे में, वो भी चाँद के, आप अगर रात में चाँद देखते हो, इट नेवर अकर्स, यू एन्जॉय, यू लाइक इट, बट आप दिन के बस देखें सूरज को, आप देखने पर इतनी तेज धपती रोश धूप होती है, तो यहाँ पर ठंडक। शख्स कौन है, बुजुर्ग हैं, अच्छे इंसान हैं, रोशनी भी ठंडी आएगी ना, फिर जैसे अमाल वैसे काम। एन एंजल राइडिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, क्या देखते हैं वो, रोशनी के अंडर, लाइट के अंडर, कौन सी लाइट है, मून लाइट के अंडर एक फरिश्ता एंजल जो है वो बुक ऑफ गोल्ड में कुछ लिख रहा है, बुक ऑफ गोल्ड। वो फरिश्ता था, वो लूसीफर नहीं था जो आगे चमाट मारता उनको, ए उठो आई एम बिजी हियर, एक फरिश्ता को अल्लाह ने असाइनमेंट दिया, हे मेरे, हे एंजल गो वेयर, जहाँ पे आपको मिले पीस हारमोनी,
तो एंजल ने चूज कर लिया हाउस ऑफ द बिन आदम, और वो उनकी सोते हुए मौजूदगी में वो आप रोशनी के नीचे वो लिख रहा है। तो कहते हैं एंजल राइटिंग इन द बुक ऑफ गॉड, एक फरिश्ता सोने की किताब में कुछ लिख रहा है। एक्सीडिंग पीस, वो फरिश्ता शोर नहीं मचा रहा, धाड़ नहीं मार रहा, वो रहा नहीं रहा, वो चुपचाप से कमरे में वैसे साइलेंट से और बहुत ज़्यादा कमरे में खामोशी फैल जाती है। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बिन एडम बोर्ड, कमरे में शरारत नहीं हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, नो नॉइज, नो डिस्टर्बेंस, नो हडल्स, नो हिंड्रन। तो बिन एडम की आँख खुलते ही उनमें हिम्मत कि यार आई शुड गो एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। वो बिस्तर से उठते हैं और कहाँ पहुँच रहे हैं, नियर द एंजल एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, और उस फरिश्ते की मौजूदगी में बिन आदम ने उनसे पूछता है, कहते हैं इनसे वो क्या कहता सुनेगा, व्हाट राइट इज दो आते हैं एमसीक्यूज के अंदर भी। अब ये वर्ड ओल्ड वर्ड है, अब न्यू वर्ड क्या आ गया, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट राइट इज दो। अगर आप आज किसी को बोलोगे एवरीबॉडी स्टार्ट लाफिंग, क्या कह रहा है भाई तू, ओल्ड ग्रामर इंग्लिश में था व्हाट राइट दिस डू, मीनिंग क्या है इसके, एमसीक्यूज में आता है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट विल यू राइट, द आंसर इज व्हाट आर यू राइटिंग, आप क्या लिख रहे हो। हु सेड, हु वाज, बिन आदम आस, एंजल, व्हाट राइट दिस डू, जैसे ही सवाल एंजल से पूछा जाता है वैसे ही द विजन, विजन मीन एंजल, फरिश्ता, विजन मीन की मीन क्या होते, एंजल, विजन ने क्या किया, द विजन रेज इट्स हेड, विजन ने फोन अपना सर को उठाते हैं, देखते हैं किसको। अब सोचे अगर वो शैतान होता, को भूत को जिन, तो क्या करता, उठाकर उनको बाहर फेंकता। देखिए वो एंजल था, अल्लाह के हुक्म पर वो कमरे में काम कर रहा था, तो बड़े प्यार से बड़े पोलाइट वे में अपना सर उठाता है और देखता है कैसे है बिन आदम को, कहता है एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, बड़ी हंसी के बड़ी हंस अंदाज में, खुश मिजाजी के अंदाज में वो सर उठाते हैं और उसको वो देखकर स्माइल भी दे रहा होता है, हाइपर नहीं होता है, एंगर नहीं होता है, एग्री नहीं होता है, वो बड़े प्लीज मूड में उनको देखता है रिप्लाई करने के लिए। कहता है आंसर, जवाब कौन दे रहे, बिन आदम को एंजल, द नेम ऑफ दोस हु लव द लॉर्ड, मैं उनका नाम लिख रहा हूं बुक ऑफ गॉड में जो अल्लाह से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हु रिप्लाइड, एंजल, टू होम, बिन आदम, द नेम ऑफ दोस हु लव द लॉर्ड। सुनते ही बिन आदम ने अगले पैराग्राफ में नेक्स्ट में कहते हैं एंड इज माइन वन, क्या नाम मेरा आपने इस बुक में लिख दिया है, क्योंकि बिन आदम वॉज वेरी पाइस फेयर वर्चुअस मैन थे, वो अच्छे हाकिम थे, तो उसने फौरन कहा मैं नमाजें पढ़ता हूँ, दुआएं करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, अच्छा अहकाम, अच्छे अमल करता हूँ, तो ऑफकोर्स माई नेम मस्ट बी इन द बुक ऑफ गॉड। तो बिन आदम ने फौरन पूछा एंजल से, हे इज माई नेम देयर एंड इज माई नेम हियर, क्या नाम मेरा वहां पर है। सेड अबू, अबू ने पूछा किससे, अबू ने कहा एंजल से, एंजल क्या बोलता है, नहीं नॉट सो, नो नो, योर नेम इज नॉट इन द बुक ऑफ गॉड, ये पूरे फ्रेज है, ने नॉट सो, ने की मीनिंग है नॉट, नहीं नहीं आपका नाम इस बुक में मैंने नहीं लिखा है। अब देखें कमरा किसका है, बिन आदम का, सो कौन रहा था, बिन आदम, कौन उठता है, बिन आदम, लेकिन बिन आदम का नाम उस किताब में जब नहीं था, फिर भी बिन आदम वॉज नॉट हाइपर, नॉट इन एंग्री मोड, और वो पोलाइट जैसा में आ जाते हैं। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, अगर हमारे खिलाफ बात हो तो क्या हम खुश होंगे, वी बिकम हाइपर, हम हाइपर हो जाते हैं, पर यहाँ पर बिन आदम वॉज नॉट डूइंग दिस, क्या होता है, रिप्लाई द एंजल, एंजल रिप्लाई क्या किया, जनाब जी नहीं आपका नाम इस बुक में मैंने नहीं लिखा है।
सुनते ही अबू स्पोक मोर लो, अबू का अंदाज ना के हाइपर ना के शाउट, सिंपल और उनकी आवाज़ में और फ्लेक्सिबिलिटी, सिलो का आवाज़ निकालते हैं वो, बट श्योरली स्टिल, और आवाज़ सिलो के बाद उसे बड़े मुस्कुरा कर देख रहे हैं। अब सोचा हम होते हैं तो मुस्कुराते हैं, ओ भाई चलो ऐसे दफा हो जाओ, बट वहाँ बिना आदम ने क्या कहा, श्योरली स्टिल हैप्पीली सी, देख के उसको मुस्कुरा रहे हैं और रिक्वेस्ट करेंगे, क्या कहते हैं, एंड सेड और कहा आई प्रे थी, थी मीन यू, यू, अब आई प्रे ये नमाज पढ़ना, आई प्रे थी मीन आई रिक्वेस्ट यू, मेरी आपसे हम्बली इल्तिजा है, आई प्रे थी मेरी आपसे गुजारिश है, राइट मी एज वन दैट लव इज फेलो मैन, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरा नाम उनमें लिख दें जो अल्लाह के बंदों से भी प्यार करते हैं। आपने नाम लिखा नहीं, द मैन हु लव द गॉड, बट राइट मी माई नेम एज लव द लव इज फेलो मैन, मेरा नाम उनमें लिख दें जो अल्लाह के बंदों से भी प्यार करते हैं। कितनी प्यारी बात है बच्चों, ये उन्होंने ऑर्डर नहीं किया, हम होते ऑर्डर करते हैं, उन्होंने बड़े पोलाइट जेस्चर में उनसे रिक्वेस्ट किया कि आई प्रे थी राइट मी एज वन दैट लव्स अ फेलो मैन। द एंजल रोट, एंजल ने बात सुनी और लिखता है और वहां से वो वैनिश्ड, और दोबारा वहां से वो क्या कहते हैं, डिसअपियर, वैनिशमेंट डिसअपियर, गायब हो जाना, वैनिश्ड। द नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट नाइट एज यूजुअल बिन आदम वॉज इन अ डीप ड्रीम ऑफ पीस, शोर होते हैं, फिर कमरे में दोबारा चांद की रोशनी अचानक कमरे में एंटर, रोशनी इतनी तेज कि बिन आदम की आंखें दोबारा सरप्राइजिंगली खुल जाती हैं। क्या कहते हैं, द एंजल केम, इट केम अगेन विद अ ग्रेट वैकनिंग लाइट, वैकनिंग मीन क्या होता है, सरप्राइजिंग लाइट कहते हैं, आंखों को सरप्राइज करने वाला लाइट, अंधेरे में सो रहे होते हैं सुकून से डीप ड्रीम में, अचानक जो है फुल स्पीड की रोशनी उनकी आंखों सामने आती है तो वो बिल्कुल वैकनिंग लाइट को दिखते ही उनकी आंख में आंखें खुल जाती हैं, वैकनिंग लाइट, एंड शोड द नेम हुम लव ऑफ गॉड हैड प्लेस, और करीब बुलाकर उन्हें दिखाते हैं वो लेस जिन पे अल्लाह ताला ने बंदों पर रहमत भेजी है, रहमत बरसाई है। और मेरे बच्चों, मेरे रेस्टोरेंट्स में और से जब वो नाम दिखाया बिन आदम का उस लेस में तो क्या होता है, सुने गौर से, एंड लो, लो के मिलेंगे देखो बिहोल्ड, अब लो ये नहीं कि ये लो क्या लेना है, ये ओल्ड वर्ड से, अब ये वर्ड यूज नहीं होता है मॉडर्न ग्रामर में, मॉडर्न इंग्लिश में, लो एंड लो सी, ये देखो बिन आदम्स नेम लेट ऑल द रेस्ट, क्योंकि बिन आदम का नाम उन तमाम लोगों में सबसे टॉप पर था। इस पे मशहूर क्वेश्चन क्या है, गॉड लव दोज हु लव हिज फेलो मैन, अल्लाह ताला उनसे बहुत प्यार करता है जो अल्लाह के बंदों से भी प्यार करता है। आप नमाज पढ़ते हो, डर रखते हो, सब काम करते हो, बट लोगों अल्लाह लोगों को जान से मार डालते हो, लोगों की बातें मानते हो, लोगों हकूक अदा नहीं करते हो, तो गॉड आपको नहीं लाइक करेगा। गॉड के लव अगर गैट करना आपने तो आपको अल्लाह के क्रिएचर से, अल्लाह के बंदों से भी आपने भरपूर प्यार दिखाना, उनके हकूक बात को पूरा करना है, जब ही अल्लाह आपको अपने आपके दर्जात बुलंद फरमाएगा, वरना आप पांच वक्त नमाज पढ़ते हो और लोगों से बुरी बातें करते हो, माँ बाप कहना नहीं मानते हो, बड़ों अदब नहीं करते हो, उस अदब की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, ऑफकोर्स गॉड के सामने आपकी वैल्यू सिफर है। वैल्यू अगर हाई करनी है तो अल्लाह के बंदों से भी प्यार करना पड़े, जभी तो बिन आदम वाज़ अ ग्रेट सेंट एंड अ ग्रेट रूलर, अपने दौर में उन्होंने वहाँ के लोगों की खिदमत की, उन्हें तकलीफ नहीं पहुँचाई, जभी तो अल्लाह ताला ने रैंकिंग निकाली तो सबसे टॉप लिस्ट पर बिन आदम का नाम था। अब इस पोम का आते हैं मैसेज ऑफ द पोम, क्या मिलता है पैगाम इस पोम से, वो ये है, मैसेज ऑफ द पोम दैट अ मैन कैन नॉट हैव द लव ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की मोहब्बत तब तक वो गैट नहीं करेगा अनलेस ही डज नॉट लव हिज फेलो मैन, जब तक वो उसके बंदों से प्यार नहीं करेगा,
अल्लाह ताला उसको मोहब्बत या रहमत अता नहीं करेगा। इट मीन्स टू लव आवर लव, इसका मतलब है मोहब्बत करने के से अपने अल्लाह से, वी शुड लव आवर फेलो बीइंग, हमें अपने लोगों से भी बंदों से प्यार करनी पड़ेगी फर्स्ट पहले, बिकॉज व्हाट काउंट, जो अल्लाह के नज़र में काउंटिंग होती है, रैंकिंग इन आवर लाइफ इज व्हाट वी सफर अदर। अगर हम दुनिया में हैं सिर्फ अपनी अपना देखते हैं तो ऑफकोर्स अल्लाह आपको नहीं लाइक करेगा। हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, सर्व ह्यूमैनिटी, सर्व द नेशन, सर्व ह्यूमन बीइंग, अगर उनकी खिदमत करेंगे हम तो अल्लाह के नज़र में हम सबसे ऊपर और टॉप पे जाएंगे, इसलिए बिन आदम का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट पर है। अच्छा, इसमें जो बोर्ड में सवाल आते हैं बहुत आसान सवाल आते हैं, आराम से लेक्चर के जरिए आप कर सकते हो, वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ज़्यादातर घूमता है वो ये सवाल है, व्हाई वाज द नेम ऑफ बिन आदम्स ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट शोर बाय द एंजल। बिन आदम ने, आदम का नाम सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट पर क्यों है, जो दिखाया फरिश्ते ने, यू बेटर नो, क्योंकि अल्लाह ताला से उनके बंदों से वो बहुत प्यार करते, दैट्स वाई हिज नेम वॉज टॉप ऑफ द लिस्ट। वरना मोर और सवाल क्या आते हैं कि व्हाट डिड एंजल रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम, एंजल ने पहली बार क्या उसे रिक्वेस्ट किया, व्हाट वाज द एंजल वाज डूइंग इन द फर्स्ट नाइट, पहली रात को एंजल क्या कर रहा था, फिर व्हेन द एंजल केम सेकंड नाइट व्हाट डिड इट शो टू द बिन आदम, जब सेकंड नाइट को हाजिर होता है तो बिन आदम ने वो क्या दिखाया उसने, व्हाट डिड द बिन आदम रिक्वेस्ट टू एंजल, बिन आदम ने एंजल से क्या रिक्वेस्ट की। ये एक ही लाइन का आंसर है जो आपको लेक्चर में और नोट्स में से अवेलेबल हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोम अटेंटिवली एंड कॉम्प्रेंसिवली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नंबर लेक्चर हमारा 5 मुकम्मल है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा नंबर 6 है, नेक्स्ट पोम आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।